हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ O2IS अकेडमी। सो हम लोग आगे अपनी रिवीजन सीरीज़ के साथ में बढ़ रहे हैं, जिसमें हिमाचल के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उनको हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख रहे हैं। जैसे इससे पहले हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखा, देन आपके पीपल एंड प्लेसेस इन न्यूज़, आपका आर्ट एंड कल्चर। आज जो है हम देखने वाले हैं आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जो अलाइड सेक्टर्स हैं इनसे रिलेटेड न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें रही हैं। इसका जो पार्ट 1 है वो पहले हमने कवर किया था, आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं और क्या क्या न्यूज़ में रहा वो आगे देखेंगे। साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन बताती जाऊंगी कि किस तरीके से प्री में और मेंस में दोनों में ही HPPSC क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करता है, क्योंकि हिमाचल के करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें लगता है कि स्टैटिक में से है, लेकिन कहीं ना कहीं वो न्यूज़ में रहता है जिसकी वजह से क्वेश्चन उसके ऊपर बनता है। ठीक है, सो इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर इस तरीके का क्या मिलेगा, एक कोर्स बना है टेस्ट सीरीज़ HPS, वहाँ के कॉन्टेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज नाम के फोल्डर से आप सारे के सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो बाद में ये आपको हेल्प करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बेनिफिशियल हो सकती हैं, सो उनको भी आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ती हूँ। तो अभी मैंने लास्ट टाइम भी ये थोड़ा सा कवर किया था, यहाँ पे हल्का सा रिव्यू आगे जाने से पहले, कि हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं एग्रीकल्चर में। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, हम लोग ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन कर रहे हैं, दालचीनी दैट इज़ सिनेमन। देन वी टॉक अबाउट के धर्मशाला में हम लोग कैमोमाइल टी लगाना चाहते हैं, कैमोमाइल टी कहते हैं, सैंडलवुड की खेती। देन वी टॉक अबाउट के हम लोग क्या करेंगे और क्या क्या चीज़ें उगाई थी हमने, लेमन ग्रास। सो इस तरीके से एक बहुत बड़ी सी हींग, सैफरिन की बहुत बड़ी एक लिस्ट है जिसमें हिमाचल अच्छा परफॉर्म करता है। हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को बहुत सपोर्ट करते हैं। इसका रीज़न क्या है? रीज़न है हमारे पास में 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, यानी कि 4 डिफरेंट तरह के क्लाइमेट हमें मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फर्स्ट जोन में उगाई जाती हैं, देन आर सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, यानी कि एग्रीकल्चरल कैपेसिटी चारों जोन्स की डिफरेंट हैं। अब ये एग्रीकल्चर की नहीं, हॉर्टिकल्चर की भी है। आपके हम फ्लावर्स लगाना चाहते हैं वो भी चारों में अलग अलग लगेंगे। सो इसी जो आपका पोटेंशियल है इसी को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं। जैसे कि लाहौल एंड स्पीति, ये जो जोन 4 टेम्परेट ड्राई जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हम लोग हींग उगा रहे हैं। इससे पहले ऐसा लगा था कि इम्पॉसिबल है आपके इंडिया में हींग लगा पाना, क्योंकि हम यूजुअली सारा का सारा जो है अफ़गानिस्तान से मंगवाते हैं, बहुत ड्राई रीजन रहता है। तो फाइनली यहाँ पर हींग के सैपलिंग्स जो हैं वो लगाए गए। सो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट आगे मैं बात करती हूँ कि टी गार्डन्स की, टी कल्टीवेशन की मैं बात करूंगी। पिछले एक साल में बहुत सारी न्यूज़ रही हैं कांगड़ा टी को लेकर। इसके रीजंस हैं, देखो सबसे पहले तो जो टी की कल्टीवेशन है वो हिमाचल में यही एरियाज़ हैं, चंबा, कांगड़ा, मंडी, इनमें मेन की जाती है। उसमें से भी जो कांगड़ा टी है उसको GI टैग भी मिला हुआ है, हैंस इट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड हैज़ सम यूनिकनेस टू इट, है ना। तो फिर न्यूज़ में क्यों थे ये? तो यहाँ पर न्यूज़ आती है कि जो टी ग्रोअर्स हैं उन्होंने टी उगाना ही छोड़ दिया। तो उन्होंने अपने लैंड्स को क्या किया, अबैंडन कर दिया और वो जो है जंगल बनना शुरू हो गए। इसके रीजंस क्या है? इसका मतलब है क्राइसिस। जो आपकी टी इंडस्ट्री है हिमाचल की वो किसी तरीके के क्राइसिस में है ना। क्राइसिस ये है कि 2008 से पहले सारा का सारा जो मैनेजमेंट है, मार्केटिंग से लेके आगे जो उनकी नीड्स है टी ग्रोअर्स की, वो स्टेट इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट देखा करता था। और जितना भी उनका सपोर्ट था टाइम टू टाइम, वो जो टी ग्रोअर्स हैं वो इससे खुश थे। 2008 में क्या हुआ, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिसी मेकिंग, ये वो सब कुछ शिफ्ट किया गया एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को, एंड अगेंस्ट द विशेज़ ऑफ टी ग्रोअर्स। तो यहाँ पर उनको ये बात ठीक नहीं लगी और आगे क्या देखने को मिला कि जो एग्रीकल्चर आपका डिपार्टमेंट था उनके पास में मीन्स नहीं थे या फिर उनके पास में क्वालिफाइड स्टाफ नहीं था टी के बिज़नेस को हैंडल करने के लिए। बेसिकली जो सप्लाई चेन बनना था वो आपका एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट नहीं देख पाया टी के मामले में, जब हम कहते हैं। सो लोगों ने क्या किया, अगेन जब उनके पास में आगे मैनेजमेंट ही नहीं हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टी उगाना ही छोड़ दिया। अब इसी चीज़ को हिमाचल गवर्नमेंट जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टी इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। टी इंडस्ट्री में हम फिनेंशियल क्राइसिस भी देखते हैं, पावर के प्रॉब्लम्स हैं, लेबर स्कीम्स, लेबर इंटेंसिव एक इंडस्ट्री है तो वो नहीं है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी कोई नहीं मिलती, क्वालिटी का प्लांट्स जो है वो लाना यहाँ पर मुश्किल है, टेक्निकल नॉलेज का भी यहाँ पर लैक देखने को मिलता है। सो इस तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट आगे आती है और कहती है कि हम क्या करेंगे, टी ग्रोअर्स को बहुत तरीके की फैसिलिटीज़ दी जाएंगे। तो बेसिकली उनको प्रमोट कर रहे हैं कि आप अपनी जो लैंड्स आप अबैंडन कर चुके हो उनको वापस से आप टी वहाँ पर उगाना शुरू कीजिए। अब हिमाचल में अगर मैं चाय की बात करूँ तो चाय कौन लेकर आए थे, तो उस वक्त सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे बोटानिकल गार्डन्स के डॉक्टर जेमसन। 1849 में दैट वाज द पहली बार जब वो कांगड़ा वैली में छोटे से 3-4 पौधे उन्होंने लगाए जो वो देहरादून और अल्मोरा से लेकर आए थे। उसके बाद में वो जब उन्होंने देखा कि नहीं अच्छे फ्लरिश कर रहे हैं तब उन्होंने 1852 में डेली टी एस्टेट की स्थापना की, राइट। ये इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद में वो फ्लरिश किया आने वाले टाइम में। इनफैक्ट 2005 में पहला जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया कांगड़ा टी को। अभी अगर हम देखें तो टोटल जो आपका एरिया कवर होता है हिमाचल में टी कल्टीवेशन के अंडर, दैट इज़ 2310.71 हेक्टेयर, जिसमें से मेनली आपका क्या है, कांगड़ा, मंडी, चंबा यहाँ पर आपके उगाया जाता है। अब इसके बाद में ये तो बता दिया हमने आपको क्राइसिस के। एक और न्यूज़ आती है उसके बाद में नेशनल लेवल पे, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे, कि आपकी जो इंडिया की टी है उसको रिजेक्ट किया गया। ये आपकी जून की बात है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो इंडिया की टी है उसको वापस भेजा बिकॉज इट हैज़ हैड इंक्रीज्ड द लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ पर टी फार्मर्स का एक छोटा सा स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिकॉज वी डू नॉट यूज़ दी हाई पेस्टिसाइड कॉन्टेंट, वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ये इनफैक्ट ऐसा कह सकते हैं कि टी जो है कांगड़ा की इसी चीज़ के लिए फेमस है। ये कोई ना कोई यूनिक चीज़ होगी ना उसमें, स्पेशली जीआई टैग अभी मिला हुआ है। सो दे आर द वन जो पेस्टिसाइड्स या केमिकल कोई भी फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज़ नहीं करते, सारा का सारा ऑर्गेनिक रहता है। इसी की वजह से यूरोपियन यूनियन ने भी कांगड़ा टी को डिसाइड किया कि यहाँ पर वो यूरोपियन यूनियन वाला जीआई टैग भी देंगे, राइट। फिर यहाँ पर एक और आपकी न्यूज़ आई कुछ महीने के बाद में कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट चाहती है आने वाले 5 साल में टी की प्रोडक्शन जो है वो डबल हो जाए। डबल हो जाए इसके लिए क्या क्या किया जाएगा? तो जो मैंने आपको चैलेंजेस बताए, अगेन हमने उनका ऑपोजिट लिखना है। जैसे कि मैंने कहा कि क्वालिटी जो है प्लांट्स की, टी प्लांट्स की, वो अच्छी नहीं मिलती, तो वो कौन प्रोवाइड करेगी? आपकी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है वो बांटेगी। वहाँ पर ज़्यादा एरिया जो है वो कवर किया जाएगा। ये जो एरिया है इसको इंक्रीज़ करना है, तो इसको कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा? अब ऐसा नहीं है कि जो मेन आपकी जगह है जहाँ पर टी उगाई जाती है सिर्फ वहाँ पे टी उगाई जाएगी। उसके आसपास जो पोटेंशियल भी रखते हैं, जहाँ का क्लाइमेट सूटेबल है चाय के लिए, वो भी यहाँ पर उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। तो नॉन ट्रेडिशनल एरिया जो हैं स्टेट के, जो वहाँ पर थोड़ा सा अभी पोटेंशियल रखते हैं, उसको यहाँ पर एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है। तो बस इतना ही था चाय के बारे में, आपको इतना ही पता होना चाहिए। देयर इज़ अ गुड क्वेश्चन कि यहाँ पे चांस बन जाता है कि मेंस में आपके इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसके चैलेंजेस क्या है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और इसके लिए फ्यूचर जो है वो क्या देखा जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने वहाँ पर लिखनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं तो जैसा मैंने कहा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो एलाइड सेक्टर में क्या आता है? आपका फिशरीज़ भी आता है, बी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, सेरी कल्चर हो गया। देन वी टॉक अबाउट अदर लाइक एरोमेटिक प्लांट्स का जो हम हर्बल प्लांट्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। उसमें से एक फिशरी है, तो हम फिश का प्रोडक्शन भी क्या करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में। इसी के लिए सरकार ने क्या किया है, फिशरीज डिपार्टमेंट इम्पोर्ट करके लाया 2 ट्राउट की नई स्पीशीज़ जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। तो वो स्पीशीज़ कौन कौन सी है, ये उनके नाम हैं। हम इनके इजी वाले नाम देख लेंगे, दैट इज़ ब्राउन ट्राउट एंड रेनबो ट्राउट। सो ये है आपकी ब्राउन ट्राउट, ये है आपकी रेनबो ट्राउट। अब ये आपका ट्राउट प्रोडक्शन है। हिमाचल में हमें ज़्यादा दो ही फिश फार्म्स देखने को मिलते हैं, एक है आपका ट्राउट और एक है आपका कार्प्स, राइट। इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ पर हैं। और अगर रेवेन्यू देखा जाए तो आपका इस साल जो आपका अप टू 2021 अगर हम देखें तो 135 जो कि इंक्रीज़ ही कर रहा है, ठीक है, 135 रुपीज़ जो लैक्स में है, इतना आपका हमने रेवेन्यू देखा फ्रॉम द फिशरीज ओनली। ट्राउट, सिर्फ ट्राउट से, फिशरी से नहीं, ट्राउट से, है ना। इसी को इंक्रीज़ करने के लिए ये जो एनहेंस्ड वेराइटी है जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्राउट्स की, इनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आने वाले टाइम में और भी ये आपके फार्म्स खोले जाएंगे, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इतने से फार्म्स हैं और भी खोले जा रहे हैं। ट्राउट आपका पतलीकुल कुल्लू, बरोट मंडी, होली चंबा, धामवारी शिमला और सांगला किन्नौर, ये आपके ट्राउट फार्म्स हैं। कार्प्स हैं आपके देओली में जो कि आपका बिलासपुर में है, अलसू मंडी में, कांगड़ा, देन इज सुल्तानपुर। सो ये आपके यहाँ पर मेन जो ट्राउट एंड कार्प फिश फार्म है वो हमने देखे। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली न्यूज़ है कि टोटल करीब 1000 करोड़ के पास में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में यहाँ पर पैसा हिमाचल में लगाया गया। न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? सबसे पहला, इसका ये आपका दो फेज़ में इसको यहाँ पर हिमाचल में जो है लागू किया गया था या स्टार्ट किया गया था। ये बात किसके बारे में करता होगा? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जो ट्रेडिशनल हमारे क्रॉप्स हैं उन तक नहीं रहना है, क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करना है। और भी जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, कुछ इधर उगा रहे हैं, कुछ उधर हींग, सैफरिन, सब कुछ उगा रहे हैं, तो डाइवर्सिफाई करने की ये बात करता है। ये जीका एडेड है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, उसने इसको एड किया और 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ये आप अपने सेकेंड फेज़ में यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट किया गया। अब ये बात करता है कि हिमाचल में बहुत सारा पोटेंशियल है। क्यों है पोटेंशियल? वही अगेन आपके वो 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, तो हम वहाँ पर ऑल्टरनेट जो है एग्रीकल्चर कर सकते हैं और ऑल्टरनेट हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ऑफ सीज़न वेजिटेबल क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में 4 जोन्स हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो यूनिट इनकम है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, वो इंक्रीज़ करेगी। और स्पेशली हमें कैश क्रॉप कल्टीवेशन को यहाँ पर प्रमोट करना है। उसके लिए जितने भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं या डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कुछ भी चाहिए, उसको ये यहाँ पर प्रमोट कर रहा है, ताकि हम सस्टेनेबली अपने क्रॉप्स की जो एक लिस्ट है बेसिकली उसको डाइवर्सिफाई कर पाए और जो टोटल उसका पोटेंशियल है उसको यहाँ पर यूज़ कर सकें। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो भी होगी। जो फार्मर्स हैं अगेन, उनको अवेयर करना पहले बहुत ज़रूरी है कि उनको पता हो कि किस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। हींग है, उसको कितने टाइम तक उगाया जाता है, कितना टेम्परेचर उसमें होना चाहिए, कितना मॉइस्चर उसमें होना चाहिए। सो क्या होगा, इससे स्किल एनहेंसमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, और जो है या फिर अगर इंडिविजुअली नहीं भी करना है तो फार्मिंग कम्युनिटी जो है वो साथ में आकर इसका बेनिफिट उठा सकती है। इससे उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी। इनकम अगेन, ये वही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर फार्मर्स की इनकम इंक्रीज़ होगी फिर क्या होगा, फिर उनकी लाइफस्टाइल जो है वो अच्छी होगी और ऐसे ऐसे करके देश का विकास होगा। नेक्स्ट हमारी जो लिस्ट में ऐड होगा वो है लेमन ग्रास। तो अगेन इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है और MOU साइन किया गया CSIR आपका हिमालयन रिसोर्स बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी जो है इंस्टीट्यूट पालमपुर में, उसके बीच में, और देव सूर्य हिमालयन ऑर्गेनिक के बीच में। यहाँ पर बात की गई कि अगेन आपकी बातें सेम हैं इन सब की। पहली चीज़ है फार्मर्स की जो इनकम है उसको इंक्रीज़ करना है, जिससे कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगी, रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। तो ये लेमन ग्रास जो है किसके अंतर्गत इसको यहाँ पर लागू किया या मतलब उगाया जा रहा है किस स्कीम के अंडर, तो वो है आपकी CSIR अरोमा मिशन। ये बात करता है कि जितने भी ये प्लांट्स हैं, कैश क्रॉप्स भी इनको कह सकते हैं, वो उसमें आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको यहाँ पर कैश किया जा सकता है। तो ये सारे आपके फ़ायदे हैं, अगेन अरोमा मिशन के अंदर ये आता है, राइट। आगे हमारा नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ 3 दिन का कॉन्फ्रेंस रखा गया CSK हिमाचल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पालमपुर की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 3 दिन का क्या रखा गया, एक कॉन्फ्रेंस रखा गया। इसमें बात की गई कि लाइव स्टॉक का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए। इसका टाइटल था प्लूरलिस्टिक अप्रोचेस फॉर लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन कॉल। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि हम लोग यानी कि कोई भी अमेरिकन अगर आप मूवी देखो तो उसमें आपको क्या बड़े बड़े फार्म्स देखने को मिलते हैं, शीप्स रखी हैं, तो जब बड़े लेवल पर इसको किया जाता है तो उसको अच्छे से मैनेज करना ज़रूरी होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है और ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, मार्केटिंग जो है वो होनी चाहिए, एंड उसके अलावा भी प्रोडक्शन के भी कुछ यहाँ पर चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये वही बात कर रहा है कि जब एग्रीकल्चर के साथ में लाइव स्टॉक रखा जाए तो उसको हम किस तरीके से बिजनेस लेवल पे यानी कि बड़े लेवल पे उसको बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से इसमें जितने भी चैलेंजेस हैं उनको काउंटर किया जाए, उसके अलावा डिफरेंट अप्रोच को कैसे अडॉप्ट करना है रूरल डेवलपमेंट के लिए। हिमाचल में अगर हम बात करें तो लाइव स्टॉक अगर टोटल देखें उसमें से मैक्सिमम हमें कैटल देखने को मिलता है एंड सेकेंड इज़ गोट। तो इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई जाती हैं, बकरी पालन स्कीम है या फिर हॉर्सेस, म्यूल्स, पिग्स, इनके लिए भी अगेन हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं हेल्प करने के लिए। और फिर क्या देखते हैं हम इसमें कुछ जो है आपके सब्सिडीज़ अगेन रखी जाती हैं, अगर आप सिल्क रेयरिंग हाउस बनाना चाहते हो तो उसके ऊपर 1.5 लाख पर फार्मर जो है SC कैटेगरी में यहाँ पर उसको सब्सिडी भी दी जाती है। अगेन इसी के हिसाब से और भी सब्सिडीज़ हैं आपके सेरीकल्चर के लिए एज़ वेल एज़ जो भी आपके लाइव स्टॉक हैं उनके लिए, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है हायर सब्सिडीज ऑन पेस्टिसाइड्स फॉर हिमाचल फ्रूट ग्रोअर्स लाइकली। अब इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर सब्सिडी दी गई कि जो जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं, जो जो फल जो हैं जिनके बड़े लाइक बगीचे हैं, उन लोगों को सब्सिडी दी जाएगी और वो थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में, यानी कि अगेन उनके जो है अकाउंट में वो आ जाएगी। इसमें क्या हुआ कि लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया, तो इसी के लिए इस सब्सिडी को हायर किया गया, लेकिन फिर भी लोगों ने अप्लाई नहीं किया। तो ये उसी के ऊपर लिखा गया है कि मैनेजमेंट एक इशू था वहाँ पर। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था कि ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली जो है साउंड होने की इसके लिए ज़रूरत थी। आपको पहले अपने सारे के सारे लैंड डॉक्यूमेंट जो है पोर्टल पे डालने हैं, उसके बाद में उद्यान कार्ड बनेगा आपका, उसको डिजिटाइज़ किया जाएगा, फिर आप जो है इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। हेंस यहाँ पर सिंस ये वाला जो बैरियर है लोगों को बहुत ज़्यादा लंबा लगा, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ इसमें देखने को मिली, तो क्या किया लोगों ने, ये जो भी आपकी सब्सिडी थी इसका फ़ायदा ही नहीं उठाया। तो इट इज़ मोर ऑफ एन लाइक प्रोसीजर में प्रॉब्लम है, लेकिन जो है गवर्नमेंट को इसको सॉर्ट करना चाहिए बिकॉज दीज आर गुड सब्सिडीज़। पर हेक्टेयर टेम्परेट फ्रूट्स में पर हेक्टेयर आपको 4000 रुपये सब्सिडी मिलती है और अगर आपके ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं तो उसमें 2000 पर हेक्टेयर सब्सिडी। सो ग्रोअर्स के लिए हेल्प रहेगा। सो नेक्स्ट आ गई हमारी न्यूज़ के नौनी यूनिवर्सिटी ने, इजरायली एक एम्बेसी है उनकी टीम विजिट करने आई थी हरियाणा में इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर को। यहाँ से वो डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी भी आए और वो यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं फॉर बम्बल बी रेयरिंग। इसको कमर्शियली यहाँ पर जो है कोलैबोरेट करने, लाइक कमर्शियल इसका रेयरिंग करना है बम्बल बी का, तो उसके ऊपर कोलैबोरेट ये लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अभी बी कीपिंग की अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ आपका एक बिजनेस टाइप का नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो इकोलॉजिकली भी ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहता है, जैसे पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं बीज। सो इस तरीके से हनी तो हमें बनाना ही है, अगेन फर्स्ट थिंग इज़ कि हाँ लाइक वी नीड द हनी प्रोडक्शन, लेकिन उसके अलावा बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक रोल भी हमें बीज का यहाँ पर देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द फ्रूट। अब फ्रूट है तो फ्रूट के पास में बीज भी होंगी एंड अगेन जो है नेक्टर बनेगा या किस तरीके से हनी बनेगा, उसके ऊपर यहाँ पर अगेन पोटेंशियल है जिसको यहाँ पर वो किया जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक स्कीम भी चल रही है उसका नाम है मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, टू एनकरेज बी कीपिंग। तो अगेन प्री का फैक्ट, इजरायली एम्बेसी के साथ में कौन सी कंट्री के साथ में नॉन यूनिवर्सिटी यहाँ पर बम्बल बी कमर्शियल रेयरिंग करना चाहती है, सो दैट विल बी इजराइल। आगे देखते हैं, हमारा अगला न्यूज़ था एक्सपर्ट्स इंस्पायर हिमाचल फार्मर्स टू ग्रो एरोमेटिक मैरीगोल्ड। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ में डिस्कस किया था कि हिमाचल में जब हम बात करते हैं तो अगेन आपके पास में ये 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन यहाँ पर हैं। दे हैव डिफरेंट पोटेंशियल। फ्लावर्स की सेंस हम बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका फर्स्ट जोन है वहाँ पर ग्लेडोलियस है, लीलियम, मैरीगोल्ड, क्रिसेंथेमम, रोज़। देन नीचे आते हैं तो आपका कार्नेशन यहाँ पर उगाया जा सकता है। देन आगे हम देखें तो मैरीगोल्ड। सो इस तरीके से फ्लावरी कल्चर जो है उसको भी यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। ये आपके फार्मर की इनकम को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपका फ्लावर है अगेन उसके हर पार्ट बिकता है, चाहे वो सीड हो, चाहे आप प्लांट में उसको बेचो, स्टेम में बेचो, या फिर उसको फूल है ऐसे ही बेच दो, है ना। वो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप उसको प्रोसेस करना चाहते हो तो आप उसके एसेंशियल ऑयल्स भी बना सकते हो, उसके परफ्यूम्स भी बना सकते हो। ये हम बात कर रहे हैं ओवरऑल जो आपका फ्लोरी कल्चर है, लेकिन यहाँ पर मैरीगोल्ड को स्पेशली क्या किया गया, फोकस किया गया कि मैरीगोल्ड की इम्पोर्टेंस जो है अभी फार्मर्स को पता नहीं है, जो एरोमेटिक है। मैरीगोल्ड के भी बहुत सारे स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती है, उसमें से जो एरोमेटिक है वो यहाँ पर उगाने के लिए फार्मर्स को क्या किया गया, मोटिवेट किया, राइट। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आती है फार्मर्स गिव फ्लावर प्लांट सीड्स इन मंडी। अब अगेन ये फ्लोरी कल्चर को ही यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है और यहाँ पर नाबार्ड ने कुछ पैसा सेंक्शन किया आपके IIT मंडी को और ईवॉक सोसाइटी, दैट इज़ एनेबलिंग वुमेन ऑफ कामांद वैली, इनको जो है कुछ पैसा प्रमोट दिया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए। और IIT मंडी जो है अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इन्हीं को। तो अगर मैं एकदम स्टार्टिंग की बात करूं, मंडी में जब ये IIT नहीं था, ये ईवॉक नहीं थे, तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं ड्राई एरिया था, ज़्यादा यूज़ में नहीं था, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी नहीं थी। और अभी अगर आप देखोगे वहाँ पे तो बहुत सारा चेंज आया है, दैट इज़ बिकॉज अगेन यहाँ पर ये 2 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं बहुत अच्छे से मिलकर काम करती हैं। अब यहाँ पर ये फ्लारी कल्चर, सिंस दे हैव गॉट द टेक्नोलॉजी, ये फ्लारी कल्चर में यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं, चाहे वो आपका अगेन एरोमेटिक प्लांट्स हैं या हर्ब्स हैं, किसी भी तरीके की जो कल्टीवेशन है वो मंडी के फार्मर्स अब करेंगे। इसमें कुछ चेंजेस जो हैं वो लाके आपके स्पीशी में सभी को जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया भी गया है मैरीगोल्ड के जो आपके प्लांट्स थे, और आने वाले टाइम में और भी किया जाएगा। तो ये ईवॉक के बारे में है। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी ये सोसाइटी है, किस तरीके से काम करते हैं और ढेर सारा काम करके इन्होंने मंडी का उस एरिया का काया पलट कैसे किया, राइट। नेक्स्ट कम्स हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस्ड इन हिमाचल। अभी ये जो फार्मिंग है ये हमें अक्सर सिटीज़ में देखने को मिलती है क्योंकि इस तरीके से ये होती है, इसमें जगह बहुत कम लगती है। देन वी टॉक अबाउट कि इसमें सॉइल लेस है, तो इसमें सॉइल की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका न्यूट्रिएंट रिच्ड वाटर जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसी पानी को जो है हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है और छोटे जगह पे अच्छी क्वालिटी की फार्मिंग की जा सकती है। हिमाचल में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अभी जो है सिंस इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा या कर दिया गया है तो आने वाले टाइम में इसके जितने भी ये एडवांटेजेस हैं इनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। जैसे आपके इसमें बेटर ग्रोथ रेट है, वाटर सेविंग है। देन वी टॉक अबाउट स्पेस और लोकेशन, छोटी सी बालकनी में या छोटे से रूम में आप ज़्यादा प्रोड्यूस जो है यहाँ पर कर सकते हैं। सो आने वाले टाइम में इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ गया लाहौल एंड स्पीति में सी बकथॉर्न फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। तो 2020 में ये न्यूज़ में आया था कि सी बकथॉर्न जो है वो कौन सी वैली में उगाया जाता है। तो अगेन ये लाहौल एंड स्पीति दोनों ही वैलीज़ में एंड पार्ट्स ऑफ किन्नौर यहाँ पर इसको उगाते हैं। इसको छारमा भी कहते हैं, है ना। और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी इसका प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। 80% जो रॉ मटेरियल है वो चाइना या पाकिस्तान से इंपोर्ट किया जाता है। और स्पेशली वो जो आपकी इंडस्ट्रीज़, जो भी आपकी शोगी, पौंटा साहिब, बद्दी, हिमाचल में जितनी भी आपकी ये इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर बाहर से ये जो आपका छारमा है, सी बकथॉर्न है, इसको मंगवाया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। तो इसी की कमर्शियल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। हिमाचल में ये वाइल्डली लगता है, इस तरीके की ये जो बेरी है ये वाइल्ड लगती है और बाद में जो है लोग इसको इकट्ठा करके लाते हैं, बेच देते हैं उस तरीके से, लेकिन अभी कमर्शियली उगाने की इसको बात की जा रही है। सिंस इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे सिर्फ मेडिसिनल नहीं हैं, इकोलॉजिकल भी हैं एज़ वेल एज़ इकोनॉमिकल भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगेन कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि पहला तो आ गया आपका कि ये कहाँ पर होता है, दूसरा ये और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका हिमालयाज़ में लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी मिलता है। कोल्ड एरिया जो आपका कोल्ड डेजर्ट्स हैं स्पेशली वहाँ पे ज़्यादा होता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखता है, स्टमक, हार्ट, स्किन प्रॉब्लम से यहाँ पर बचाता है। ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, अगेन वाइटामिन रिच है, सो इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी इसके कुछ हमें देखने को मिलते हैं, सोर्स ऑफ फ्यूल, वुड एंड फॉडर। और फिर कमर्शियल यूजेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें, अगेन जैम्स बनते हैं, जूसेस बनते हैं, न्यूट्रिशन कैप्सूल भी बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ आ गई कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने जीआई टैग के लिए जो है यहाँ पर सिरमौर का जो जिंजर है और मंडी की बासमती को आगे लाया। अगेन सिर्फ न्यूज़ में है, जीआई टैग मिला नहीं है, लेकिन आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। दिस इज़ अ प्योर प्री फैक्ट है ना, कि सिरमौर का जो जिंजर है सबसे पहले उनको जीआई टैग मिल रहा है। दे आर इट इज़ फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी। सेकंड आ गया यहाँ पर एक जगह, दैट इज़ मंडी की ब्याला विलेज, स्पेशली ये ब्याला विलेज जो है यहाँ की बासमती को ये जीआई टैग यहाँ पर मांग रहे हैं। अभी नॉर्दर्न जोन में ऑलरेडी बासमती राइस को जीआई टैग मिला हुआ है, हिमाचल को, पंजाब को, नॉर्दर्न जोन को बेसिकली मिला है इनकी बासमती क्वालिटी के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली ब्याला विलेज के लिए ये कह के कि आपका इट इज़ मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर द रॉयल्स ऑफ मंडी एस्टेट, ये जो है इसको जीआई टैग की यहाँ पर मांग की जा रही है। तो अगेन आपको सिर्फ ब्याला विलेज जो है प्री फैक्ट के तौर पे याद होना चाहिए। अगर मैं जिंजर की बात करूँ तो ये बात करते हैं कि जो सिरमौर का जिंजर है इससे आपकी सौंठ में भी बनाई जाती है और इसका कुछ यूनिक अरोमा है, इस जो सिरमौर है उसकी सॉइल की वजह से। इसको प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट के अंडर भी यहाँ पर रजिस्टर किया गया है और जीआई टैग जो की है मांग की जा रही है। इसकी यूनिक क्वालिटीज़ के लिए, इसका अरोमा है उसके लिए, इसके कुछ जो फ़ायदे हैं उनके लिए, क्योंकि सिरमौर की सॉइल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है फ्रॉम दी अदर प्लेसेस। आगे बढ़ते हैं, तो हिमाचल गवर्नमेंट टू सीक एक्सटेंशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट। तो एक हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बड़े बड़े नाम हैं, पता होना चाहिए कौन फंड करता है इसको। आपका वर्ल्ड बैंक यहाँ पर फंड करता है। अगेन इसमें कुछ भी ये न्यूज़ जो है इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट, कौन इसको फंड करता है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे इसका नाम है हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट की ये बात कर रहा है कि हॉर्टिकल्चर में किस तरीके से डेवलपमेंट की जा सकती है, चाहे वो स्मॉल फार्मर्स की हो या फिर एंटरप्रेन्योर्स जो आने वाले टाइम में अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, उनको किस तरीके से सपोर्ट किया जाए। तो उनको जो सपोर्ट देना है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी या मार्केट एक्सेस के तौर पर, तो वो जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। पहला आ गया डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, अलग अलग हॉर्टिकल्चरल जो आपकी कॉमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना या फिर और चीज़ों को यहाँ पर उगाना। वैल्यू एडिशन करना, यानी कि एप्पल है तो एप्पल का जैम बना के, जैम की वाइन बना के इस तरीके से उसको बेचना। मार्केट डेवलपमेंट, जैसे हम HPMCs या HPMC खोलते हैं, देन वी टॉक अबाउट आपके APMCs भी उसमें ही आगे। फिर आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सो ये सारी की सारी चीज़ें आपके इस प्रोजेक्ट में काउंट होती हैं। लास्ट हमारी न्यूज़ है फार्मर्स गिव अप मेज़ कल्टीवेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो अगेन छोटी सी न्यूज़ थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपके एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स स्पेशली मंकीज़, इनका जो स्केयर है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों ने मक्की उगानी बंद कर दी। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि हर जगह की जो ये मेज़ है, जैसे हम सलूनी जगह की बात करें, सलूनी जो एरिया है चंबा का, वहाँ पे वो मेज़ की वैरायटी के लिए जीआई टैग मांग रहे हैं कि ये हमारी यूनिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। सो ये जो मेज़ कल्टीवेशन है ये बंद नहीं होनी चाहिए, ट्रेडिशनल जो वेराइटीज़ हैं वो चलती रहनी चाहिए। और आने वाले टाइम में इसमें क्या देखेंगे हम, मेज़ के लिए भी कुछ सब्सिडीज़ दी जाएंगी, कुछ नई स्कीम्स चलाई जाएंगी और फिर हम उनके ऊपर फिर से बात करेंगे। तब तक आपको बस इतना सा आइडिया होना चाहिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आने वाले टाइम में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए डू क्लिक द बेल आइकन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।